हेलो फ्रेंड्स, एसएससी ऑनलाइन मेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रा का पार्ट 6। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज पहले जाकर अलजेब्रा की पार्ट सीरीज पार्ट 1 से 6 तक पहले देख लें, उसके बाद ही पार्ट 6 को देखें ताकि आप लोगों को अलजेब्रा की क्लियरिटी हो सके। क्योंकि जो भी सारी ट्रिक्स और फॉर्मूलेज और जो भी चीजें मेरे इंपॉर्टेंट हैं अलजेब्रा की, वो मैंने सारी प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हूं। तो इसलिए आप लोग इस लेक्चर को देखने से पहले अलजेब्रा के पार्ट 5 ऑलरेडी देख लें जो भी कराएं। और आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रा का पार्ट 6, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा स्पेशल फॉर्मूला जो कि ड्राइव हुए हैं, ठीक है। और मैंने आपको पार्ट 1 में लिखाए भी हैं, तो जिन लोगों को नहीं पता है वो प्लीज जाके पार्ट 1 को देख लें। आज का टॉपिक काफी स्पेशल रहेगा, दोनों ही पार्ट जो आने वाले हैं आपके सामने, ठीक है। तो मेरे रिक्वेस्ट उन सभी लोगों से ये कि इन दो पार्ट्स को काफी ध्यान से करें और प्रैक्टिस इन पे ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि एसएससी का ट्रेंड हो चुका है कि इन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछता है। ओके फ्रेंड्स, लेट अस कम टू द पॉइंट। सो आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये फॉर्मूला आप लोगों को मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया था, ठीक है। और इसके आज हम दो केस और देखेंगे जो मैं बताऊंगा कैसे आया है, ठीक है। तो इसका जो दूसरा केस है वो क्या कहता है, ये है। तो इसका दूसरा फॉर्मूला भी आपको याद करना होगा, जो कि ये हाफ ए प्लस बी प्लस सी क्लोज ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसी का फॉर्मूला है, इसी से ड्राइव हुआ। कैसे होगा वो आप लोग को जानने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये फॉर्मूला याद करना है, क्लियर। स्पेशल इसमें क्या है, नोट डाल के लिख लेना स्पेशल। मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेशल केस कह देता हूँ मैं इसको। अगर हमारा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज जीरो। एंड यू नो दैट इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड विद जीरो द आउटपुट विल बी जीरो। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी दैट इज इक्वल टू जीरो। वाई? बिकॉज जीरो मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो, क्लियर। ओके सो वी कैन राइट दिस फॉर्मूला एज इट इज। ऐसे भी ले सकते हैं, राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो आपके पास तीन फॉर्मूले बन गए, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये तीनों फॉर्मूले से ही घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आए तो डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। डरना क्या, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लंबे लंबे इक्वेशंस होंगी, और एक चीज जान लो आप लोग, एलजेब्रा में जितना क्वेश्चन लेंथी होगा उतना ही करने का मजा आता है, ठीक है। आगे एक पार्ट और करा के फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के मतलब डिफिकल्ट जो हॉर्स टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको कराऊंगा मैं 2-3 पार्ट, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप लोग का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा मोटिव मतलब यहाँ पे यही है कि मैं आप लोगों को हर टाइप कवर करा दूं, और हर क्वेश्चंस में किस टाइप के क्वेश्चन में किस टाइप की ट्रिक्स क्या अप्रोच लगानी है वो मेरा मोटिव यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस तो आपको करनी है, बस आइडिया मुझे देना है, ठीक है। तो आप लोग का आइडिया लगाना है वहां पे कैसे। अब सपोज करो आपका पहला क्वेश्चन इसी बेस पे है, ठीक है। इस बेस पे मैंने 3-4 क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप लोग उस कंसेप्ट को समझ सको। पहला क्वेश्चन है, इफ एक्स इक्वल टू 997 वाई इक्वल टू 998
जेड इक्वल टू ट्रिपल नाइन देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला देख के आपका स्टैक दिमाग में होना चाहिए कि भाई ये देखो ये कुछ नहीं ए है तो यहाँ पे एक्स हो गया, कुछ भी वैल्यू ले सकता है वो, पी क्यू ले सकता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है, समझना है बस फॉर्म को। तो आप इस फॉर्मूले अब देखो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता था फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला क्या था, हाफ ठीक है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कर सकते हो ना, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, देखो ये फॉर्मूला लिख रहा हूं जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर है, यही फॉर्मूला मैंने लिखा है। अब देखिए आप इसमें डायरेक्ट आप कुछ नहीं करेंगे, 997 में से माइनस करोगे क्या, 998, 998 में से माइनस करोगे 999 का होल स्क्वायर प्लस जेड की वैल्यू क्या आपका 999 माइनस 997 का होल स्क्वायर, बस ये सब चीजें तो आपके माइंड में भी हो जाएंगी जब देखना, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा और पता चल जाएगा कि यही फॉर्मूला लग गया। अब इसका माइनस वन, ये 997 माइनस 999 क्या होगा आपका, माइनस वन होगा, माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस ये भी माइनस वन का होल स्क्वायर और ये माइनस टू का होल स्क्वायर, ये माइनस का, ठीक है। अब आप जानते हो किसी भी चीज का अगर नेगेटिव का स्क्वायर करते हो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये वन प्लस वन प्लस फोर डिवाइड बाई टू दैट इज थ्री, फोर प्लस टू सिक्स अपॉन टू थ्री, तो योर आंसर इज ऑप्शन डी, क्लियर, ऑप्शन डी। जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो वीडियो को पॉज करें और दोबारा देख लें, ठीक है, आपका फॉर्मूला ये था, ठीक है, इसी फॉर्मूला को मैंने पुट किया है क्योंकि उसने हमसे इस चीज की वैल्यू पूछी है, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है, बस इसको पुट करके रख दिया, अब अगला क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आपके सामने, मैंने क्वेश्चनों की लड़ी लगा दी आप लोगों को, देख रहे हैं ना आप लोगों को, ठीक है, एक्स इक्वल टू जेड इक्वल टू 225 एंड वाई इक्वल टू 226 देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, कुछ नहीं है फॉर्मूला आपको याद है तो सिंपल, अब देखो राइट साइड लिखनी है इसकी, जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या करेंगे, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्लियर, अब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर हो गया यहां तक, ये तो आपका फॉर्मूला था, ठीक है, आप इसी फॉर्मूला को एक्सपेंड करना है, कैसे करोगे देखो अभी इसको स्मार्ट अप्रोच से भी बताऊंगा मैं, 225 प्लस 225 प्लस 226 ये तो हो गया यहां तक, अब कर्ली ब्रैकेट करना, 225 माइनस 226 माइनस वन, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा ठीक है, वो समझ गए होंगे, वाई माइनस ओ सॉरी 225 माइनस 225 दैट इज योर जीरो, दोनों की वैल्यू क्या है, एक मिनट, एक्स और जेड की वैल्यू हमारी सेम है तो सॉरी मिस्टेक, एक्स माइनस जेड की वैल्यू सेम है तो अब आप देखिए 225 में से 226 माइनस करेंगे तो माइनस वन का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्लियर, अब वाई माइनस जेड 226 माइनस 225 ये प्लस वन का स्क्वायर आ जाएगा, जेड माइनस जेड देखो 225 और एक्स ये दोनों सेम है तो ये जीरो हो जाएगा। अब देख लो अभी वन का स्क्वायर तो वन ही है, वन का स्क्वायर वन है ठीक है, माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है प्लस होता है, तो अब देख लो टू से टू ये कैंसिल हो जाएगा, कैसे, पहले आप इसको जोड़ लो, ये आपका जाएगा 6 5 11 5 16 द्वितीय 6 7 676 और इधर क्या आएगा मल्टीप्लाई में 2,
ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 676, ऑप्शन बी। क्लियर? तो थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि कभी कभी वो चेंज दे देता है आपको, यहाँ पर जैसे मेरे से भी गलती हो रही थी, तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान से करना क्योंकि वो चेंज कर देता है, तो आप लोग को लगता है कि ये है तो आंसर भी वो देगा, देखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी सिमिलर टाइप मैंने ली हुई है, और ऐसे क्वेश्चन मैं इसलिए लिए हैं क्योंकि एसएससी पूछता है, इसका सी ट्रेंड है, आने वाले समय में ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन सभी को आना चाहिए, तो अप्रोचिंग इसमें मस्ट मेन होना है आपको, और फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बनाना नहीं होगा आपको। ठीक है, अब 2 1 z की वैल्यू -3 और ये वैल्यू निकालनी है, फिर से आपको फॉर्मूला लिखना है, तो अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, आपको डायरेक्ट बताऊंगा। अब देखो इसकी वैल्यू आपको निकालनी थी, क्लियर है? कैसे निकालोगे, हाफ करोगे आप लोग? ठीक है, 2 + 1 - 3। ठीक है, अब यहाँ आपका कुछ फॉर्मूला है, इसको अभी भूल जाओ। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूला आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप ये चीज देख रहे हो, हाफ 3 और 3 में से कहीं 0। अब यहां से आपको कुछ क्लियर हो रहा है कि 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग दैट इज 0, आंसर इज बी। पूरा क्वेश्चन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब इसमें मैं जो ट्रिक बताने जा रहा था ना, वही ट्रिक ही थी कि आप सबसे पहले चेक करो कि ये कहीं 0 तो नहीं बन रहा है, और 0 बन रहा है तो वो 3 ABC के इक्वल आएगा, होता है ना, तो इसे पूछा तो यही है -3 ABC, तो ये 0 के इक्वल होगा। अगर ये पूछता है इतना x + y + z³ इक्वल टू इतना पूछता, तो आपको क्या करना था, 3 ABC राइट साइड में मल्टीप्लाई करता, जब 0 हो जाता तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करता, तो वही आंसर हो जाता है। क्लियर है? तो ये ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, इन केसों में हमेशा आप तीनों को जोड़ के देख लो। ठीक है, तीनों जोड़ के देख लिया आपने, 0 बन रहा है, 0 बन रहा है, तो फिर इस पे देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, अगर क्वेश्चन -3xyz सार फॉर्मूला दे रखा तो आपका आंसर 0 है, अदरवाइज ये राइट साइड ले जाके 3xyz कर देगा। ठीक है, जो कि स्पेशल फॉर्मूला ये था, स्पेशल फॉर्मूला भी डायरेक्ट बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो क्लियर कट हो गया होगा आप लोगों को होपफुली। तीनों क्वेश्चन बहुत बेहतरीन थे, सुपर इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं, एक क्वेश्चन मेंस में तो इसका आता ही आता है, प्री में भी कभी कभी डाल देता है। ठीक है, तो तैयार रहिए आप लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थोड़े कुछ क्वेश्चन हटके लिए है मैंने। ठीक है, बहुत टाइप के क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, फोर्थ क्वेश्चन पूछता है, प्री और मेंस पे तो बहुत ही बार पूछा गया है क्वेश्चन। x = 11 है, देन द वैल्यू ऑफ x^5 - 12x^4, 12x³ - 12x²+12x-1। बाप रे, अब आप लोग तो भाई सोचोगे कि यार 11 की पावर 5 करेंगे तो भाई पूरा पेपर ही का टाइम निकल जाएगा। जरा सोचो यार कि एसएससी एग्जाम ले रही है तो कुछ तो समझ के क्वेश्चन दे रही होगी, है ना, क्वेश्चन तो कुछ सोच समझ के दे ही रही होगी। भाई 30 सेकंड का टाइम है, आपको इतना लंबा क्वेश्चन कभी देगी वो एसएससी? मैक्सिमम 1 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं देगी एसएससी, लिख के ले लो जी, तो क्वेश्चन कुछ तो लॉजिक होगा, तो वही लॉजिक सोचना है, अब वो मैं लॉजिक आपको सिखाऊंगा कैसे होता है। ठीक है, अब इसको बस आपको तोड़ना था, अब कैसे तोड़ोगे ये आप लोग देख लो। मैं कहता हूं कि x5 12 के फैक्टर कैसे ले सकते हैं, 11x^4 - x^4 ले सकते हैं, कोई दिक्कत, माइनस माइनस प्लस माइनस का साइन। ठीक है, सिमिलरली इसको तोड़ लो, 11x³ + x³, सिमिलरली इसको 11x² - x² सिमिलरली इसको 11x + x - 1। अब इस वैल्यू का यूज करना है, देख लो भाई, एक चीज तो क्लियर पता चल रही होगी आपको, ये देखो 11 की पावर 5 और ये 11 × 11 की पावर 4, ये देखो इसको दिखाऊंगा मैं, एक करूंगा बाकी आप करो, देखो ये बन रहा है 5, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली ये इससे कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में बचेगा क्या, x - 1, और x के लिए हमें पता है 11 - 1 दैट इज 10, 10 इज योर आंसर, कितना सिंपल था ना, आंसर इज ऑफ बी।
अब वर्बली भी क्वेश्चन हो जाता अगर लॉजिकली माइंड लगाते। देख रहे हो आपकी एक्स स्क्वायर 5 है, 12x4 है, इसको हम तोड़ लेंगे तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स माइनस 1 बच रहा है, लास्ट में 10 आंसर हो गया। ये होता है खेल, पर ये कब आएगा जब आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाओगे। ठीक है, तो होपफुली समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन मैंने आपके प्रीवियस चेक कर रहा हूँ कि आप लोगों को कितना समझ में आया, तो अब देखिए बुरा ना मानना करा रहा हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूशन अगर इसका देखा जाए तो क्या होगा, देखो 99 है, 99 और इसका कुछ लॉजिक नहीं बन रहा है। आप अगर 99 रखने जाओगे तो ये काफी लेंथी हो जाएगा, तो आप वैल्यू पुट करके इसको नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट अप्रोच हम लोग क्या लगा सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखें इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो कुछ समझ में आ रहा होगा। मुझे पता है आप लोग मल्टीप्लाई कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज समझ में तो आ रही है कि ये पी का क्यूब बन रहा है, अब किसका क्यूब बन रहा है, तो अब बनाना पड़ेगा। ऐसी चीजों में क्या होता है, हमें सोचना है और कुछ अपने तरफ से ऐड करना है। अगर हम यहाँ +1 और -1 कर दें कोई दिक्कत होगी, क्योंकि हम बैलेंस कर दिया है, 1 प्लस किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया। आप अगर देखा जाए इस चीज को तो अब ये बन रहा है, अभी क्या बन रहा है, P+1 का होल क्यूब -1। देख लो P का क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3a² + 3b² वाला फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, 3a² b + 3ab² अगर आप करोगे तो आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो इस वैल्यू में पुट कर दो आप लोग, पी की वैल्यू क्या आपका 99 + 1 इसका क्यूब, इसमें से -1 सबका, तो ये जो आपका 100 का क्यूब -1, 100 का क्यूब मींस 60। ठीक है, तो क्या जाएगा आपका 3 4 5 6 -1, तो ये घटा दो। ठीक है, 3 3 3 जाएगा आपके पास 6-0। क्लियर, आंसर इज सी। तो इसमें भी कुछ नहीं था, ये भी मेंटली क्वेश्चन हो सकता है, बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, और यही अप्रोचेस होती हैं, कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ, आगे भी आपको 2 लेक्चरों में कराऊंगा, मेंस लेवल तक ले जाऊंगा मैं आपको। ठीक है, अपना लेवल थोड़ा बढ़ाऊंगा, काफी इजी क्वेश्चन मैंने कराए आपको। ठीक है, मुझे आपका डर निकालना है, डर अलजेब्रा से डर निकालना है, अलजेब्रा का भूत। ठीक है, अब देखो ये वाई है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको। ये क्वेश्चन देख कि कुछ घबराहट हो रही होगी, मेरे हिसाब से मुझे भी होती थी, सभी को होती है यार, इतना ज्यादा लेंथी क्वेश्चन और ऊपर से 8xy दे दिया है। तो देखो मैं उस दिन आपको बताया था एक चीज कि जब ऐसा दे रखा हो, ठीक है, रेशनलाइज भी कर सकते हो, अगर रेशनलाइज करने जाओगे तो 2 -√3, 2 -√3, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूं, बल्कि आपको ये माइंड में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका 2 -√3 आएगा, क्यों, 2 का स्क्वायर 4 -3। अब मन में कैसे करना है, देखो तो कैलकुलेशन आधे ज्यादा माइंड में करना है, तभी आपका कुछ भला हो पाएगा, अदरवाइज रह जाओगे। 2 -√3, और देखो नीचे a - b a + b a² 4√3 का 3। ठीक है, 4 - 3 1, सिमिलरली इसका जब 1 का निकाल गया तो दूसरे का जाएगा 2 + √3। अब ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, क्लियर है, अब एक्स वाई निकाल लो, तो एक्स वाई मल्टीप्लाई करोगे फिर वही फॉर्मूला, a + b मतलब 2 - √3, और 2 + √3, अब जिसको फॉर्मूला नहीं आता है तो वो तो दिक्कत वाली समस्या, तो प्लीज याद कर ले इनको, रिक्वेस्ट है। ये देखो a² 4 -√3 का स्क्वायर 3, तो 4 - 3 इज 1, अब इसे पुट कर दो। अब देखो 8xy मीन्स 1 x² + y² x² 2 - √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 + √3 का होल स्क्वायर, क्लियर, ये जाएगा 8, ये देखो 4 + 3 7 -2 × 2√3, क्लियर, ये जाएगा यहाँ पे, ये भी 7 + 2 × 2√3, ये देखो सेम सेम वाले, ये देखो कट गए, अनलाइक
चार तीन सात सात चौदह, 8 × 14 दैट इज योर 8 × 32, 8 × 8 = 11, आंसर इज 112, ऑप्शन ए। इतना लंबा नहीं करना है भाई, मैंने समझाने के लिए आपको किया है। कैसे करना था इस क्वेश्चन को देखो, मेंटली देखो आप लोग। एक्स की वैल्यू हमें पता है, सबसे दिमाग में पहले जाएगा इसको रैशनलाइज फॉर्म में लाना है। रैशनलाइज फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका कंप्यूटर साइंस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 − √3, 2 + √3, ठीक है, क्लियर। ये जब दिमाग में आ गया तो आप एक्स वाई ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जब भी सिमिलर टर्म होंगी उनका मल्टीपल हमेशा 1 होगा, ठीक है। इस टाइप के केसेस में मल्टीपल हमेशा 1 होता है, इनका प्रोडक्ट 1, ठीक है, आप चेक कर लेना। x² + y² ये आपके माइंड में करना है क्लिक। कैसे, जब देख लो आपकी 2 + √3 है, 2 − √3 है, तो इनके जो 2 वाले फैक्टर है दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब कि जो इसका स्क्वायर होगा उसका डबल कर देंगे, 2 का 4 = 3 = 7, 2 का 14, 14 × 8 112। ये होती है स्ट्रेटेजी, ये तभी आएगी जब आप लगातार क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करोगे। मेरे कराने से कुछ नहीं होगा आपको, अगर मैं 5 क्वेश्चन करा दो आप उससे 50 क्वेश्चन करो, तब आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा और स्पीड तभी बढ़ेगी, ठीक है। तो आज से ही लग जाओ, आपका नोटिफिकेशन अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा, ठीक है, और एग्जाम का मुझे नहीं पता है बट नोटिस अप्रैल तक आ जाना चाहिए। तो कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड, टाइम इज सो लेफ्ट, एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक एंड कमेंट, ओके। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, जहां पर आपको SSC से जुड़ी तमाम जानकारियां मिलती रहेंगी। हमारा फेसबुक पेज का नाम है SSC ऑनलाइन मेंटर, ठीक है। अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बताएं इस इनिशिएटिव के बारे में, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये एजुकेशन जो मैंने इनिशिएटिव लिया ज्यादा तो लोगों तक पहुंच सके, क्लियर। ओके, थैंक यू।